नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर नशा तस्करी करने वाले दो तस्करों को किया काबू। 105 किलो हेरोइन, करीब 32 किलो कैफीन निर्जल, 17 किलो डीएमआर और भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अंतर्राज्यीय अफीम तस्करी गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। 2 किलो 31 ग्राम अफीम सहित तस्करी में इस्तेमाल ट्रक किया बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अमृतपाल सिंह के मुख्य सहयोगी और 3 अन्य को वैध हथियारों सहित किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पंजाब पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पर तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया और अब तक की सबसे बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की। तो वहीं इस ऑपरेशन में पुलिस ने 105 किलो हेरोइन, 31.93 किलो कैफीन निर्जल, 17 किलो डीएमआर और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह, नवभुल्लर के दो सहयोगी नवजोत सिंह व लवप्रीत कुमार को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि एक आरोपी पढ़ाई कर रहा है और दूसरा फोटोग्राफी करता था। वहीं जलमार्ग का इस्तेमाल सामग्री परिवहन के लिए किया जाता था। पुलिस ने टायरों से बड़ी रबर ट्यूब भी बरामद की, जिससे पता चलता है कि इनका इस्तेमाल जलमार्ग से तस्करी में किया जाता था। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी इंद्रदेव सिंह ने कहा कि बाबा बकाला से करीब 1.5 क्विंटल हेरोइन बरामद हुई है। वहीं 6 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बाबा बकाला तो इन्होंने कब्जे विचों 1.5 क्विंटल हेरोइन बरामद हुई है। इन्हों का 3 दिन का रिमांड मिला जी। तीन दिन का रिमांड मिला। अच्छा, और कोई होर चल रही है इन्हों के फॉरवर्ड तो बैकवर्ड जो भी लिंक आ ਉਹਨਾਂ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ? ਇਹ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਪਿਸਟਲ, 1 ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ 3 ਇੱਥੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਭੁੱਲਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में अंतर्राज्यीय अफीम तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 2 किलो 31 ग्राम अफीम जब्त की गई और तस्करी में इस्तेमाल किया गया ट्रक भी पकड़ा गया। ये अफीम झारखंड से पंजाब लाई जा रही थी। इस सफलता से नशे के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सतनाम सिंह उर्फ सत्ता के रूप में हुई है, जो कि गाँव खुडना थाना धारीवाल जिला गुरदासपुर का रहने वाला है। इस मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खख ने बताया कि इस मामले संबंधी थाना पतारा जिला जालंधर ग्रामीण में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी सतनाम सिंह ने झारखंड से अफीम खरीदने और पंजाब में उसकी तस्करी का खुलासा किया। उसने बताया कि वह खुद भी अफीम का सेवन करता है और बाकी मात्रा को बेचने की योजना बनाई थी। इसके अलावा उसके खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह तिहाड़ जेल में सजा काट चुका है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी, ताकि उसकी अन्य तस्करी नेटवर्क के साथ संभावित कनेक्शन की
जांच की जा सके। इसके अलावा उसके संपत्ति रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। माननीय SSP साहब सरदार हरकमलप्रीत सिंह जी खक जी के दिशा निर्देशों से श्रीमती जसरूप कौर बाठ IPS SP इनवैसटीगेशन सर DSP सरदार स्वरणजीत सिंह DSP इनवैसटीगेशन जी की निगरानी हेठ CIA स्टाफ जलंधर देहाती की पुलिस ने सतनाम सिंह सानो बूटा सिंह वासी पिंड धालीवाल गुरदासपुर को काबू किया है। इस पासों 2 किलो 31 ग्राम अफीम बरामद की है। इस दे खिलाफ मुकदमा नंबर 45 मिति 26/10/24 जे धारा 18B 6185 NDP सैक्ट थाना पटारा विखे दर्ज रजिस्टर किया गया है, जिसनों पेश अदालत करके पुलिस रिमांड हासिल करके इस दे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक बारे जांच की जा रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान का चुनाव हो गया है, जिसमें एडवोकेट हरजिंदर सिंह धमी एक बार फिर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बन गए हैं। दोपहर 12 बजे के करीब श्री हरिमंदिर साहिब स्थित तेजा सिंह समुद्री हाल में वोटिंग शुरू हुई। इस दौरान अलग अलग जिलों से शिरोमणि कमेटी सदस्यों ने नए प्रधान के लिए वोटिंग की, जिसमें एडवोकेट धामी ने बीबी जागीर कौर को हराकर फिर से चुनाव जीत लिया। गौरतलब रहे कि एडवोकेट धामी को 107 वोट मिली, जबकि बीबी जागीर कौर को 33 वोटें प्राप्त हुई, जिसके बाद एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी चौथी बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बने। गौरतलब रहे कि वर्ष 2022 के चुनावों में एडवोकेट धामी को 104 वोट मिले थे, जबकि शिरोमणि कमेटी की पूर्व प्रधान बीबी जागीर को 45 वोटें मिली थी। इसी तरह एडवोकेट धामी को 102 और विरोधी पक्ष के उम्मीदवार संत बलबीर सिंह घुमन को महज 15 वोट ही प्राप्त हुए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्री अकाल तख्त साहब नूं श्रोमणी कमेटी तो अलग करना चाहती हूँ। असी भी विधि विधान वह बनाया आ, पर यह विधि विधान की बना रहे हैं कि पटना साहब की तर्ज के उत्ते हजूर साहब की तर्ज के उत्ते सरकार को कब्जा चल जाए, फिर सरकार सेंटर की जी मन मर्जियाँ करूंगी। सो मैं खालसा पंथ नूं सिमर बेनती करदा कि कई बार ये समय आए अकाली बरसे ज अकाली तो लड़ते रहे, पर सारा ही मुल्क एक पासे हो के लड़ूगा खालसा पंथ नूं। ते मैं सारिआं नूं बधाई दिना इन्हां मैंबरां दा चेचे तौर पर श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप तो प्रधान साहब समेत जिन्हां ने लगातार इस गल ते फोकस किया कि ये जिहड़ी चुनौती आ इहनूं आपां खिड़े मत्ते प्रवान करांगे स्वीकार करांगे। सो मैं अंत दे विच गुरु रामदास पातशाह दा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा ते श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद करदा। एक आस भी करदा मैंबर साहिबानां तों कि अहुदेदार साल बाद आ जांदे आ, पर आ साल जिहड़ा क्रूशल आ बहुत वड्डे हमले हो रहे आ, इह क्योंकि हुण सेवा जिहड़ी आ इह सेवा की हुंदी वे दिन रात सारिआं मसलिआं नूं नजिठणा भी ते सारिआं मसलिआं दे नाल उहनां दे पूरक भी बणना। जालंधर के प्रसिद्ध मार्केट मॉडल टाउन में एक अनोखी घटना सामने आई। मार्केट प्रधान राजीव दुक्कल ने बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शराब के नशे में झूमता हुआ बाजार में डंडा लेकर घूम रहा था और लंगड़ाने का नाटक कर रहा था, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति का यह नाटक कुछ ही देर तक चला। जैसे ही उसे लगा कि कोई उसकी चाल समझ नहीं पाया, वह तेजी से भागने लगा। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बुजुर्ग की तेजी ऐसी थी मानो वह शताब्दी ट्रेन की गति से भाग रहा हो। इस घटना ने बाजार में उपस्थित लोगों का ध्यान खींचा और कई लोग अचंभित रह गए, जिसके बाद राजीव दुग्गल ने लोगों से अपील की वे इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखें और पुलिस या प्रशासन को तुरंत सूचित करें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। दिवाली से पहले कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने CP स्वपन शर्मा की देखरेख में अधिकृत पटाखा विक्रेताओं के साथ एक विस्तृत बैठक की। बैठक में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने, पटाखों के वैध भंडारण और बिक्री को रोकने व त्योहारी सीजन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में कुल 20 पटाखा दुकानदार और पटाखा एसोसिएशन जालंधर के 5 सदस्य शामिल हुए। अधिकृत धारकों और दुकानदारों को माननीय उच्च न्यायालय और पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार
सभी सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। विक्रेताओं को अपने स्टॉल के आसपास नो स्मोकिंग जोन बनाए रखने के अलावा अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया गया। तो वहीं कमिश्नरेट पुलिस ने सभी निवासियों को सुरक्षित, आनंदमय और समृद्ध दिवाली मनाने की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ऑनरेबल गाइडेंस ऑफ सीपी सर, हुण जिवें कि असीं देख रहे हैगे कि फेस्टिव सीजन आ रहे हैं तो दिवाली दे विच लोग पटाके सेल करते हैं, तो कोई अनफोरसीन ईवेंट ना हो जाए उस चीज़ को ध्यान रखते हुए असीं इंस्ट्रक्शन पास की है जलंधर पुलिस वालों। उसके विच असीं दस्सिया कि स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन की सानू इनफॉर्मेशन प्रायरली दिती जाए ताकि असीं उहदे ते प्रॉपर चैक रख सकी। फिर उस तो बाद असीं कहा कि जिहड़े गोडाउन दे विच पटाके इलिसिटली ना स्टोर किए जाण, जिन्हां कोल प्रॉपर लाइसेंसिस हैगे वो अपने अकॉर्डिंगली प्रॉपर लॉ नू फॉलो करते हुए, लीगल चैनल नू फॉलो करते हुए अपने कोल पटाके जिहड़ियां स्टोरेज करन, तो जिहड़ी स्टोरेज भी कर रहे हैं वो जिन्नी क्वांटिटी स्पेसीफाई है या जिन्नी उन्हां नू एरिया डीमार्केट किया होया ब्लॉकली वो उसी एरिया नू फुलफिल करन, ते उस चीज़ नू जिहड़े स्टोरेज है उसी अकॉर्डिंग करन, उस तो ज़्यादा ना करन, अदरवाइज लीगल इंप्लीकेशंस विल बी डन अगेंस्ट दैम। बाकी असीं इन्हां नू कहा कि जिहड़े भी सेफ्टी चैक्स है, जिहड़े सेफ्टी चैक्स रखने जिवें कि एंबूलेंस नू, फायर ब्रिगेड नू, उस चीज़ नू इंश्योर करवाण। बाकी वी हैव सेट के जिहड़े कि इलैक्ट्रिकल सर्किट्स या कुछ भी जो भी इलैक्ट्रिकल इन्हां दे होगा शॉप्स ते उन्हां चीज़ों का ध्यान रखन कि कोई ऐसा शॉर्ट सर्किटिंग की कोई इशू ना आ जाए, तो स्मोकिंग जिवें नो स्मोकिंग दे बोर्ड, इनफ्लेमेबल सबस्टांस दे बोर्ड्स ते लगाण उन्हों चैक करन कि कोई एवें दा अनफोरसीन वाकया ना हो। बाकी होर असी इन्हां दे विच देखिया गया कि जे तुहानूं किसी तो शक हुंदा किसी बंदे ते कि जो कोई इलिसिटली होर बेच रहा है मार्केट के विच, कोई अनरेगुलेटेड कोई बेच रहा है पटाके नूं, उहदी साडी सानूं इनफॉर्मेशन दें ते उहदे खिलाफ तेज़ तो तेज़ कार्रवाई असीं करांगे। बाकी असीं इन्हां नूं होर भी कुछ गाइडलाइन दित्ती कि लोगों की सेफ्टी नूं इनश्योर करन कि किसी का त्यौहार जिहड़ा है अच्छी तरह मनाया जाए, रैदर दैन कोई बैड इवेंट क्रिएट हो जाए। असीं सारे चाहवांगे एज अ पुलिस, एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन, उन्हां दा भी फर्ज बनता है कि असीं आसे पासे सारा ध्यान रखिए। बाकी मेरी रिक्वेस्ट हैगी सारयां नूं, ईवन जिहड़े सैल करते हैं तो ईवन जिहड़े परचेज करते हैं कंज्यूमर, कि ई क्रैकरस वध तों वध यूज़ करन, बिकॉज इनवायरमेंट भी साडे लई बहुत जरूरी है, जिवें धुआं हो जांदा है। ईवन जिहड़े तुहाडे आले दुआले जिहड़े स्ट्रे डॉग्स हैगे हैं उन्हां नूं पटाकियां दा डर हुंदा, उह किसी तों बाइट कर लैंदे आ, फिर उन्हां सानू आसे पासे अपने नाल कुदरत का भी ध्यान रखिए असी ज़्यादा तो ज़्यादा, तो उन्होंने रखते हुए आप एक सेफ साउंड ते एक हैल्दी दिवाली सैलीब्रेट करिए, खुशी दी होए, किसी के घर दुख ना आप क्रिएट करिए इस चीज़ को करते हुए। ये कुछ इंस्ट्रक्शन अभी पास ऑन की है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। न्यू सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल गुरु तेग बहादुर नगर जालंधर का 39वां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया। स्कूल के डायरेक्टर मैडम सुषमा हांडा, प्रधान एनके हांडा, प्रिंसिपल पूनम, वाइस प्रिंसिपल सीमा, पीआरओ मीनाक्षी, टीचर्स इंचार्ज जूनियर तथा सीनियर विंग मनप्रीत हांडा तथा आशु मैडम जी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि डीईओ गुरिंदरजीत कौर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा समारोह का आरंभ ज्योति प्रज्वलन से किया गया। जूनियर और सीनियर विंग के छात्रों ने रंगारंग सभ्याचारिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल पूनम ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट तथा द्वारा विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धियों व अन्य गतिविधियों की उपलब्धियों से अवगत करवाया। मुख्य अतिथि गुरविंदर जीत कौर ने शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में उत्तम प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार बांटे। समारोह का समापन वंदे मातरम के साथ हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
ਇਤਵਾਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲਮੀਕਿ ਗੇਟ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੇ ਨਏ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੁਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰ ਕੀਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਹਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੁਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਮੇਂ 32 ਇੰਚ ਸੇ ਲੇਕਰ 85 ਇੰਚ ਤੱਕ ਕੇ LED TV ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਵੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਸਹਿਤ ਕਈ ਅਨਿਯ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਹਰਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮੇਂ ਹਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਂ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕੇ ਚਲਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਆਫਰਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓ ਸੇ ਉਨਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮੇਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਸਭੀ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ RF ਭਾਟੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹਾਇਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ੋਨ, ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ NRI ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਸ਼ੁਲ ਚੋਪੜਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਇਰ ਦਾ BM। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਟੋਰ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹਾਇਰ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਪਲੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ LED TVs ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। LED TV ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਇੰਚ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 4K ਮਿੰਨੀ LED TV OLED ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ, ਗਿਫਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰੇਂਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ, ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹਾਇਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹਾਇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਟਰਨਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਫਾਈ ਵਿਦ AI ਸੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜੈ ਗਣਪਤੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲੰਧਰ ਛਾਵਨੀ ਵਿੱਚ 22ਵਾਂ ਭਵਯ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੇ CEO ਓਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਜਜਮਾਨ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੇ ਪੂਜਾ ਔਰ ਅਰਚਨਾ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਵਿਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਮਹਾਮਾਈ ਕੇ ਸਮਕਸ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਜਾਗਰਣ ਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਔਰ ਉਨਕੀ ਭਜਨ ਮੰਡੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਕ ਭਜਨੋ ਸੇ ਭਕਤੋ ਕੋ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰਤੀ ਗਿਆ। ਜਾਗਰਣ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਮਣੀ ਲਾਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਧੁਰ ਸਵਰ ਡਹਿਰੀਓ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਸਭੀ ਭਕਤੋ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਕੋ ਮਾਤਾ ਕੇ ਚੁਨਰੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ। ਅਨਯ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਅਤਿਥੀਓ ਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨੌਰਥ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਬਾ ਹੈਨਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਔਰ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੋ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣੇ ਮੇਂ ਜੈ ਗਣਪਤੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪੱਪੂ, ਰਾਹੁਲ ਚੰਦਰ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੂ, ਰਵੀਕਾਂਤ, ਅਭਿਨਵ, ਰੋਹਿਤ, ਸੂਰਜ, ਮਮਤਾ, ਰਿਤਿਕਾ, ਗੀਤਾਂਜਲੀ, ਲਕਸ਼, ਨੀਤੂ, ਮਮਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਰਣਦੀਪ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।
रखा है कि हमारी कल्चर को अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का
उसी कड़ी में काम कर रहे हैं और इनको बहुत बहुत बधाई हो, सोसाइटी को बधाई हो और इनकी पूरी टीम को बधाई और सभी आए हुए जो भक्तजन हैं उन सबको बधाई हो। यहाँ पर अपना जो जागरण होगा उसको एंजॉय करें और जो भी यहाँ से अपने विद्वत जन पंडित जी बैठे हैं, पूरी मंडली आई हुई है, तो जो भी वो गुणगान करेंगे माता का वो सिर्फ सुने ही नहीं, उसको हमने अपने आचरण में उतारना है। इसी के साथ हर साल की तरह इस साल भी जय गणपति सेवा सोसाइटी वालों माँ चिंतपूर्णी का जो कि आशीर्वाद असी लै रहे हैं सारे जने कंटोनमेंट बोर्ड के जिन्हें भी कर्मचारी है अफसर है साढ़े बिच साढ़े सीओ साहब उन्होंने मिसिज बाबा हैनरी जी और साढ़े वड्डे भाई साहब हैनरी साहब ने भी आना है और माँ का आशीर्वाद इस तरह मैं मिलता रहे सारे बाबा हैनरी जी वालों भी और सारे जिन्हें भी मेरे दोस्त मेरे नाल मेरी मदद करते हैं महाराज चिंतापूर्णी इस तरह ही कराते रहे और इसी तरह मैं जो पिंड का जो मैं कर सकता जो कि माँ का गुणगान करके असी माँ चिंतापूर्णी के नाल हर धर्म के नाल जुड़ के आप इस तरह ही प्रोग्राम कराते रहिए और इस तरह साढ़े तो मेहर भरिया हाथ जो कि भगवाना का रहे और अभी सारे मिलजुल के इस तरह ही प्रोग्राम कराते रहिए। दीपावली भी आ रही इस तरह ही हर साल दीपावली भी सारे ते सुख शांति लैके आवे। जय माता दी जय माता। माँ बंगलामुखी जी के सिद्ध स्थान माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक मम्बापंडी चौक चरंदर में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त संपूर्ण फलदायी मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा सभी भक्तजनों से षोडशोपचार पूजन नवग्रह पूजन पंचोपचार पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई गई। तो वही सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम के प्रेरक व प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित माँ भक्तों को जीवन में आनंद और शांति का मार्ग पर कैसे चलने की व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन का लक्ष्य तय किए बिना शांति और आनंद नहीं मिल सकता। शांति बाहर से नहीं भीतर से ही प्राप्त की जा सकती है। आनंद और शांति का स्रोत हमारे भीतर ही मौजूद है और हम उसे धन दौलत में ढूंढ रहे हैं। नवजीत भारद्वाज ने दिवाली पर्व पर 1 नवंबर शुक्रवार को मंदिर परिसर में होने वाले कार्यक्रमों एवं हवन यज्ञ के बारे में सभी सेवादारों भक्तजनों को बताया। उन्होंने कहा कि जिन भक्तों ने माँ बंगलामुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ इत्यादि कार्य करवाने हेतु मंदिर परिसर में वे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले श्रीकंठचर्य मुनीश शर्मा, निर्मल शर्मा, अभिनंदन प्रभाकर, उपम प्रभाकर, वीरेंद्र सिंह, अमन शर्मा, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर चालंदर में विशेष साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान अनिल कोहली एवं पीयूष कोहली ने पवित्र वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में नाहुतियाँ डाली। इस दौरान यज्ञ ब्रह्म सुशील वारे ने विधि विधान से हवन यज्ञ को संपूर्ण करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवा ने भक्ति में भजनों से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आई हुई संगत का धन्यवाद किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, अनिल भसीन, कंचन भसीन, सुनीत भाटिया, अनुआर्य, केदारनाथ शर्मा, पूनम मेहता, हजारीलाल शर्मा, नन्नी उपाध्याय, बैचनाथ वेद प्रकाश भाटिया सहित अन्य शहरवासी भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ओके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन ओंकारनाथ अग्रवाल अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 जालंधर में किया गया। इस मौके पर आध्यात्मिक प्रवक्ताओं ने वैराग्मी कीर्तन कर स्वर्गीय ओंकारनाथ अग्रवाल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज, होटल प्रेसिडेंट के मालिक राकेश सब्रवाल, पूर्व CPS के डी भंडारी, भाजपा देहात के प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, प्रसिद्ध उद्योगपति नरेंद्र सगबू, राजेश अग्रवाल, आत्म प्रकाश सिंह बबलू, प्रिंस ग्रोवर, गुरचरण सिंह चन्नी, आप नेता सुरेंद्र सिंह सोडी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक मनोरंजन काली और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी मंजू अग्रवाल, शरद अग्रवाल, नीरू अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, भरत सरोवाला, उमा अग्रवाल, KM अग्रवाल, राघव अग्रवाल, सिद्धांत अग्रवाल सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना प्रकट की और स्वर्गीय ओंकारनाथ अग्रवाल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की।
लेदर फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ जलंधर आस्टी ऑल इंडिया पाइप फिटिंग स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल पठानकोट रोड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन पंजाब हैंडपम्प मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यूनाइटेड फॉरम इंडस्ट्री एस पी तुलसी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन टूल्स एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग अग्रवाल सभा जलंधर लघु उद्योग शनि सुखधाम मंदिर। अभी मेरे को ऐसे मिला था श्री ओमकारनाथ जी के पोते सुधांश जी। ये भाव होते हैं अपने अपने भाव वस्य भगवान, भगवान कहाँ भाव में बनता है। अपने जो पितृ हैं अगर हमारे भाव जागृत होते हैं तो उनका शुभ आशीर्वाद दिलाए। दो तीन मिनट के लिए अपने दादा के प्रति भाव वो रखेंगे, हम भाव पर भावमय होकर ही उनको सुनेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम समय से पूरा होगा ऐसा हमने निश्चित किया हुआ है। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर, इट मींस अ लॉट टू मी एंड इट्स अ लॉट टू द एंटायर फैमिली एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गिवन दिस टाइम। यू नो इट्स स्टिल वेरी हार्ड फॉर अस ऑल टू बिलीव कि दादू हमारे साथ नहीं है। एवरी मॉर्निंग या जब स्कूल जाते थे या ऑफिस जाता होगी सबसे पहले मैं उनको जाके मिलता था। आई यूज़ टू हग हिम, आई यूज़ टू हग हिम बैक विद द सेम पावर एंड द बिगेस्ट स्माइल ऑन हिज फेस। आई नो टू मिस दैट स्माइल एवरी सिंगल डे माय लाइफ। जब छोटा था तो नानी हमेशा पूछते होते थे कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो, मम्मा को या पापा को। मैं हमेशा कहता था कि मैं दादी को मोस्ट, दादू ने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन को अपने एक सीख ये दी कि वट एवर चैलेंजेज यू हैव इन लाइफ यू ऑलवेज मस्ट फेस एंड कैट ऑन जस्ट लाइक ही डिड। ही वाज ओनली 7 इयर्स ओल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज फादर, देन ही वाज मेबी 12 इयर्स ओल्ड व्हेन ही हैड टू लीव हिज हाउस, ही हैड टू लीव द हॉर्न एंड कम टू इंडिया ड्यू टू द इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। एंड देन ही स्टिल मैनेज्ड टू फिनिश ऑल हिज एजुकेशन, गो टू लंडन, डू हिज इंजीनियरिंग एंड फाइनली स्टार्टेड ऑन बिजनेस which led to the foundation of where we are. डॉक्टर श्रीमती प्रेम पसरीचा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में राजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जैन भवन कपूरथला चौक जालंधर में किया गया। इस दौरान आचार्य उद्यन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का पाठ कर स्वर्गीय श्रीमती प्रेम पसरीचा जी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व विधायक राजेंद्र पेरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, समाज सेवक प्रिंस ग्रोवर, लवली ग्रुप के रमेश मित्तल, नरेश मित्तल एवं पारिवारिक सदस्यों में बेटा डॉक्टर राजेश पसरीचा, डॉक्टर पुनीत पसरीचा, डॉक्टर सीमा पसरीचा, डॉक्टर रिभव, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर सोयना, डॉक्टर साकेत रे चौधरी, डॉक्टर मायरा पसरीचा, डॉक्टर कुमी रे चौधरी, डॉक्टर आरुष पसरीचा, डॉक्टर पारुष पसरीचा, डॉक्टर प्रियंका पसरीचा सहित धार्मिक सामाजिक राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती प्रेम पसरीचा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। अमृत से नहीं, अमृत आनंद का स्रोत है,
अमृत ईश्वर की उपासना है। जैसे एक बेटी विवाह के अवसर पर कहती है, हे परमात्मा मुझे पिता के कुल से अलग कर दो, पति के कुल से अलग मत करना। वो पति कुल से जुड़ना चाहती है, पितृ कुल से छूटना चाहती है। एक तरफ से छूटना है, एक तरफ से जुड़ना है। आप सबने उनका सख्त व्यवहार और स्वरूप तो देख रही है, तो शायद उनका नरम व्यवहार और आंतरिक स्वरूप हम पोते पोते को ही देखने को मिला। बहुत प्यार करती थी हम सब पोते पोतियों से, उनकी बहुत ही इच्छा थी कि हम सब डॉक्टर्स बने, और सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बट नैतिक और सर्वगुण वाले डॉक्टर्स बने। मेरी आशा है कि हम दादाजी और दादी जी के बनाए हुए पथ पर जीवन भर चलने की कोशिश करेंगे। बहुत स्नेह था मेरा दादी जी के साथ, बहुत सौभाग्य था मेरा उनके साथ एक महीना उनके घर में उनके साथ रहने का मौका मिला, और उनके शिक्षण में ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा मिली। दादी जी बोला करती थी कि गायत्री मंत्र बोला करो, उन्होंने मतलब भी समझाया था जो मैं आज तक करता हूँ और शायद जीवन में सुधार भी आया है। Her to defy the societal norms whenever she had to, and trust me, she had to. She chose to pursue medicine at a time when higher education for women was almost unheard of, and she did so by defying the wishes of her father and four older brothers, and she would defy their wishes again a few years later. When they would oppose her decision to marry the person she fell in love with at college, my grandfather, the late great Dr. K.K. Basija. These stories tell us that my grandmother was truly a lady well ahead of her time, who practiced feminism long before the term was even coined, and who did not let circumstances come in her way. For me, this is the biggest takeaway lesson from her life. To not let your circumstances limit you and to not let them define you. I have an anecdote to share. I was in 7th standard at 11 years old when my elder brother Vibhav cracked the AIIMS PMD exam. And Dadi asked me to accompany the entire family to Delhi for his admission in AIIMS. And like any normal 11 year old, I had little interest in this excursion to Delhi. But I had little option. This was not an invitation, this was a decree. And I had to follow. She explained her decision by saying कि तू आज AIIMS देखेगा तो कल AIIMS जाएगा, and this had a great impact on my life. She not only set a target for me, she made me visualize a dream that up until then did not exist. हमारे पेट की जो छाया होती है वो बनी हुई थी, इसको आज हमने खो दिया है, क्योंकि छाया के नीचे आकर सब लोग बैठते परिवार के लोग एक ग्रुप में बैठते हैं, तो खैर संसार का चक्कर है जाना ही है, और बड़ा अच्छा चीज की गए, इसके लिए हमने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। समाज के साथ जुड़ी हुई शिक्षा उसके बंद की, मैं भी बहुत समाज से जुड़ी हुई हूँ, सो मेरा उसका काफ़ी संबंध इसके विषय में बनता रहता है। तो सबसे जो बड़ी विशेष बात उसके जीवन में थी कि वो जीवन में जी बहुत अच्छा थी, एक अनासक भाव उसके जीवन के अंदर बराबर बना रहा। जैसे मेरी बहन ने कहा कि बेटी ने कहा कि बच्चों को मैं बेटों को शादी की सपोर्ट कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा नहीं था कि बस मैं मेरे के संबंध से थोड़ा सा हो, अनासक्त भाव रखती थी अपने जीवन के अंदर। रोशनी के पर्व दीपावली को लेकर जालंधर शहर की दुकानें पूरी तरह से गुलजार हो गई हैं। जालंधर के जग्गू चौक में स्थित पंजाब की सबसे पुरानी दुकानों में शुमार सेवक धूप फैक्ट्री दुकान पर इस पर्व को लेकर भारी भीड़ उमड़ने लगी है। इस पर्व को लेकर दुकान पर एक ही छत के नीचे हर प्रकार का सामान उपलब्ध करवाया गया है। इस बात की जानकारी सेवक धूप फैक्ट्री के मालिक प्रिंस शर्मा और ऋषि शर्मा ने दैनिक सवेरा के संवाददाता से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि वे सेवक धूप फैक्ट्री के संस्थापक और अपने पिता स्वर्गीय श्री राम शर्मा की परंपरा को पूरी शिद्दत के साथ जारी रखे हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी दुकान पर ग्राहकों की पसंद की हर प्रकार की वैरायटी उपलब्ध करवाई हुई है। दीपावली से कुछ दिन पहले ही बड़ी संख्या में
लोग उनकी दुकान पर पहुंचकर पूजा अर्चना के लिए श्री गणेश, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की आकर्षक मूर्तियां खरीद रहे हैं। साथ ही साथ वे अपने घरों, दफ्तरों और पूजा स्थलों को आकर्षक तरीके से सजाने के लिए साज सज्जा का सामान तथा पूजा सामग्री की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकान पर खरीदारी को आने वाले ग्राहकों का उत्साह पूरे चरम पर नजर आ रहा है। सेवकतु फैक्ट्री के मालिक प्रिंस शर्मा और ऋषि शर्मा ने बताया कि इसके अलावा ग्राहकों में स्वागती हार, तोरण और रंग बिरंगी लड़ियों की खरीदारी में भी खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। जालंधर के कोट पक्षियां स्थित मेलाराम मंदिर में टंडन परिवार की ओर से संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला संकीर्तन मंडली की ओर से मधुर भजन गाकर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया गया। इस अवसर पर अनिल टंडन, मोनिका टंडन, हिमांशु टंडन, मिष्टी, अमित चावला, कोयका चावला, डॉक्टर अनिल नागरथ, डॉक्टर सुनीता नागरथ, दिवेश दृष्टि, प्रियंका रिदम, ईशु, नीतू, पलक, कनिका, कनन सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक प्रभाकर बंधु एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने माँ की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार गब्बी, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक प्रभाकर बंधु एंड पार्टी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक अशोक निमाणा एंड पार्टी जलंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, नरेंद्र सहजपाल, चंदन मोहन ढिंगरा ने भजन गायक अशोक सोबती एंड पार्टी जलंधर वालों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संजीव सानी, सोहन लाल, किरण कुमार, राजेंद्र मदान, यशपाल, गोवर्धन गोंदी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Mere maa, 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 mere
प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवक चंद्र अग्रवाल के बड़े भाई स्वर्गीय रमेश कुमार अग्रवाल पप्पू का निधन हो गया है। स्वर्गीय रमेश कुमार अग्रवाल पप्पू की आत्मिक शांति के लिए रखे गए श्री गरुड़ पुराण के पाठ का भोग एवं रस्म क्रिया श्री देवी तला मंदिर के श्री राम हाल में पूजनीय पंडित सोमनाथ पटक द्वारा की गई। इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सभी महानुभावों का पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय सांपला ने अग्रवाल परिवार की ओर से सभी का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूर महल की ओर से आई हुई साध्वियों ने अपने मधुर वाणी से स्वर्गीय रमेश कुमार अग्रवाल पप्पू को संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तला मंदिर की प्रधान शीतल बीच, पूर्व विधायक के डी भंडारी, पूर्व विधायक रजेंद्र पेरी, पूर्व विधायक पवन टीनो, सीनियर आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बारी, विधायक बाबा हेनरी, सीनियर आम आदमी पार्टी के नेता चंदन गरेवाल, आम आदमी पार्टी के नेता गुरजिंदर सिंह, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, उद्योगपति राकेश अग्रवाल, पूर्व विधायक शीतल अग्रवाल, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया व पारिवारिक सदस्यों में संतोष कुमारी, ऋषभ अग्रवाल, तुषार अग्रवाल, रितिका अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, यशपाल बीटा अग्रवाल, कमल अग्रवाल, दीप अग्रवाल, चंद्र अग्रवाल, सोनू अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, राकेश अग्रवाल सहित सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय रमेश कुमार अग्रवाल पप्पू को श्रद्धांजलि भेंट की। Thank you.
शाश्वतः और मनुष्य के द्वारा इस संसार में आकर जो भी धन संग्रह, जो भी सुख साधनों का संग्रह, जो भी भौतिक पदार्थों का संग्रह किया गया है, नहीं शाश्वतः, वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी एक दिन आपको छोड़ना है। नित्यम सत नहितो मृत्यु, और नित्य क्या है, सत्य क्या है, मृत्यु मनुष्य के जीवन का परम सत्य है। इसलिए भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य। बेटी
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਥਾਤ ਚੜਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਲਫਾਂ ਤਲ ਖੋਲੇ और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करी करने वाले दो तस्करों को किया काबू। 105 किलो हेरोइन, करीब 32 किलो कैफीन निर्जल, 17 किलो डीएमआर और भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अंतर्राज्यीय अफीम तस्करी गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। 2 किलो 31 ग्राम अफीम सहित तस्करी में इस्तेमाल ट्रक किया बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अमृतपाल सिंह के मुख्य सहयोगी और 3 अन्य को वैध हथियारों सहित किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।